कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेता मौजूद रहे, तो वहीं हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ बातचीत की। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इनसे जानते हैं। सर, का रोड शो रहा, क्या लग रहा है, क्या रुझान आने वाला है? शानदार रोड शो, चुनाव जीत रहे हम अलवर के अंदर भारी बहुमत से। माहौल हमारे पक्ष पे था माहौल जी, और सब जगह माहौल अच्छा मिल रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह की अभी तक माहौल देखने को मिल रहा है, बाहरी और स्थानीय का झगड़ा है अलवर में, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। अलवर हम जीत रहे हैं, अच्छा माहौल था प्रियंका जी के रोड शो के अंदर भी, माहौल बदल रहा है क्योंकि इन्होंने जो हालात कर रखे देश के वो चिंतित करने वाले हैं। ये दो के आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये हालात है। तो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, बॉन्ड लेने के अंदर आपने ईडी का उपयोग किया, क्या मजाक बना रखा है, खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, आपने दो मुख्यमंत्री जी ने बैठा रखे। दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है, अमेरिका, जर्मनी और तो और संयुक्त संघ कह रहा है कि आपने क्या मजाक बना रखी है, लोकतंत्र कैसे रहेगा वहां पर। अगर यूएनओ कह रहा है आपको तो आप सोच सकते हो दुनिया क्या कह रही है। अच्छा, जिस तरह शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि डोडासरा और पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाएंगे केजरीवाल के साथ, नाम ले रहे हो भाई, उसको मैं 30 साल जानता हूँ, उनके बारे में क्या कमेंट करना बताइए, उनकी पार्टी नेताओं से पूछना उनके बारे में था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इसका परिणाम चौंकाने वाले आएगा। ईआरसीपी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है, हालात बदलेंगे और इस बार कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।